मैं आपको एथिक्स नहीं सिखा रही हूँ। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई पॉइंट। वी आर एक्चुअली शोइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन। एग्जैक्टली। हाँ ये आर्मी कॉलोनी इसी रास्ते से आएगा। बेस कैंप। हिंदी हिंदी समझते हैं आप? भर्ती होनो है भर हाँ हाँ इस तरफ। शाहीन गेट इन द कार बाबा। I'm still telling you the same thing. We should cover more of the Jawans and less of the circuit house and their facilities. People would actually love to know more on their stories. But sir, there's a strong chance. I mean, copied, sir. Copied, Kabir. ओके कबीर, बाय कबीर। रघु यार। तो मिस जर्नलिस्ट नाउ इज अ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। प्रमोशन हो गया? हाँ, फ्रॉम अ कंट्रीब्यूटिंग राइटर टू अ फीचर राइटर। वाओ, ब्रेकिंग न्यूज़। शट अप। और तुम वहीं के वहीं अनसंग हीरो। ओप्स, आई मीन द फैक्ट चेकर। हाँ हाँ, जहाँ भी हूँ तुमसे तो अच्छा ही हूँ। एटलीस्ट वी गो बाय अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रिसर्च। और तुम लोग ब्रेकिंग न्यूज के लिए कुछ भी। या I agree that there are meaningless stories, but then there is an alternative media altogether, and there are good stories too. And then there are those stories which are just made up out of nowhere. That's just how you perceive. That's how I perceive. Mm-hmm. Perception. अरे हमारे ethics को हुआ क्या है? The first thing any journalist needs to make sure is the information likely to be public, right? And if it's not likely to be public, then you guys directly jump onto that. Fictional point of your ethics, where it says, wait a minute, is the lack of access to the data a story in itself? DRP. Orissa mein. DRP. Ek second. Orissa mein din dahade ek army ne apne padosi ki hatya kar di. To janab, maan lo ki khabar ye hai. Lekin hamare desh mein ise is tarah se bataya jayega. Orissa mein din dahade ek Muslim ne ek Hindu ki hatya kar di. Ya phir ek Hindu ne ek Muslim ki hatya kar di. That is fucking propaganda journalism. Exactly. That's the issue. And इसी वजह से हमारे देश में धर्म के नाम पर दंगल शुरू हो जाते हैं। And you know what happens next? People start forming their own irrational opinions and start avoiding the sine qua non in our democracy. तो ये जो इस तरह से खबरें बताने वाले लोग हैं, ये उनका TRP driven mindset है, हमारा नहीं। Yeah right, mindset. I almost forgot that we are living in a democratic country. और आजकल तो सभी के पास में opinions हैं। Where exactly? Are these people drawing the line? Yeah, right. Haan, I mean, look at me. From a regular columnist to a contributing writer to a feature writer. Kal kya pata shayad EP bhi ban jaun. Dekh, jitne app stories, utne ratings. Jitne ratings, utni rankings. Authorities and the promotions. It's a long process. And there's no shortcut. And that's how I want to do it.
Stop it, Raghu. Sadly, I rely on my own methods to civilize the world. वैसे जिन मेथड से आप आगे बढ़ रहे हो ना, इंशाल्लाह झंडे गाड़ के न्यूज एंकर बनना, न्यूज एंकर बन के झंडे गाड़ना भी कोई ज्यादा दूर नहीं है. थैंक्स. कौन से मेथड्स? कम ऑन, यू नो मेथड्स. रघु, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हाउ कुड यू से समथिंग लाइक दिस? आई वाज जस्ट किडिंग बाबा. आई एम गोना मेक दिस अ ब्लडी हेडलाइन. सॉरी, इतनी छोटी सी बात की हेडलाइन? यस. क्राइम रिपोर्टर रघुवीर सिंह इज अक्यूज्ड फॉर मोलेस्टिंग हिज फेलो सीनियर क्राइम रिपोर्टर शाहीन खोसला बिकॉज़ ऑफ हिज लैक ऑफ आर्गुमेंटेटिव स्किल्स. वाओ, यू जस्ट ट्विस्टेड द फैक्ट्स. दिस इज एक्सट्रीमिज्म. वैसे इस कबीर की कंपनी में तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही हो. शट अप रघु, आई एम वे बियॉन्ड दिस जिंगोइस्टिक जर्नलिज्म. तो तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे लाइटर दो. ए बाजू बंदड़ी डूम लड़ उड़ जी जाए रे. ए बाजू बंदड़ी डूम के बात है आज जगत सिंह जल्दी आ गए. सतरंगी लहरी यारो पल्लू लहराए. जे बंजर जमीन और जे बंजर लोगों के बीच जब सांची की मीठी सी आवाज सुनाई पड़े ना, तब ये जगत सिंह जल्दी ना आएगा ना, तब ये जगत सिंह चाहिए बस जाएगा. बिंदिया जैसी लागे छू ना, वो देख लेवेगी. अरे पहले मैं तो तने देखूं जी भर के. छोड़ पगले. और वैसे भी ज्यादातर ना बच्चे माँ बाप पे जावे, माँ बाप बच्चों पे ना. फूतरे खूबसूरत जगत सिंह माखन ना रोटी पे लागे मारे पेना. माखण भी कोई लगाने की चीज है बावड़ी? अगर तारे पे कुछ लगाना ही है तो जे क्यों ना लगाऊं? पींदने लगा है बिल्कुल. जो बीनड़ी लागूं तो ब्याह क्यों ना कर लेवे मारे से. देख सांची, सही चीजों को ना सही वक्त पे करना जरूरी है. आज तू बीनड़ी लाग रही है, अगले महीने ब्याह भी हो जाएगा. अगले महीने करते करते पूरा साल बीत गया. कब तक इस टापरों और इन टापरियों का संभालती फिरूंगी? थक गई हूं. अब ना होता मुझसे ये लाना ले जाना रोज रोज. मिठा गाड़ देती है ना तू, मिठा बोर्ड भी लिया कर. भूल गई तारे बालम और मारे भाईसा के साथ के हुआ था? रेफ्यूजी ने उनका सर धर से अलग कर दिया था, याद ना रहा तुझे? हाँ, सब याद है, सब याद है. और याद तो मने जे भी है कि तू उसे छोड़ने वाला था. शुरुआत में सब सही था पर अब हाँ भड़वा बन गया है तू. भड़वा स्वागत है आपका हमारे शो पे. और इस छोटे से सेगमेंट जिसे मैं कहूंगा नजरिया, नजरिए को देखने का. और आज का पहला सुविचार है कि सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर है. तथ्य सत्य को छुपा सकता है. फैक्ट्स कैन ऑब्स्क्योर द ट्रूथ.
to be something with these refugees. And these look. दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ? चलें. तुम कभी सुधरोगी नहीं ना. तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे शर्लॉक कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? मेनस्ट्रीम मीडिया की बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ हमारे मतलब की बात करें. हाँ. Do you mind working together on a feature? Only if this is without any factual errors. Trust me, this might just be your next best story. We'll decide that later. तो बेस कैंप से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव है. यहाँ का आखिरी गांव 60 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर. दीवानकोट. राइट. एक सेकेंड, ये वही जगह है ना जहाँ पर एक पूरी कौम का धर्मांतर हुआ था? फोर्स्ड कन्वर्जन्स. अब उन्हें पश्तून्स कहते हैं और कुछ मीडिया लीड्स के हिसाब से तो ऑल दिस इज जस्ट अ मिथ. व्हाट्स द कैच? दीवानकोट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना बॉर्डर के इस साइड बिलोंग करते हैं ना उस साइड. रेफ्यूजीज. Who have always been accused for their involvement in a transnational organized crime. To be precise, human trafficking. You know, facts के मुताबिक पिछले 2 सालों में करीब 35 लोग गायब हो चुके हैं. And the story doesn't end here, Shaheen. You know, one day, the entire mob publicly beheaded 2 of the locals. Why? Religious persecution. लेकिन फैक्ट ये है कि ये 2 लोग सिर्फ कन्वर्ट होने को रेडी नहीं थे. काफिर, काफिर बोल के हलाल कर दिया इन्हें. और पुलिस? कॉप्स. एक हेड पुलिस ऑफिसर आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और मारा भी गया. क्यों? क्योंकि विटनेस था. और ये पूरा हादसा हुआ कब? ये अभी करीब 15 दिन पहले की ही बात है. So wait a second. This is classified information. And nobody has featured this incident yet. ऐसे ही थोड़ी ना बोला था कि this might just be your next best story. Why? Elections. Focus shift करना तो कोई हमारी मीडिया से सीखे. People aren't getting to know what they're supposed to. वो वहां तेरा इंतजार कर रही होगी. सत्य अक्सर एक बड़ा झूठ होता है. Half a truth is often a great lie. You know what I was thinking? एक सेकंड. रेफ्यूजीज धर्म के नाम पर लोकल्स को मार सकते हैं. यहां तक तो मान लिया. But how could they possibly persecute cops? I mean, someone who's at that high authority and well equipped. ये जो 2 लोग
और पुलिस वाला मारा गया, व्हाट इज दिस एंटायर इंसिडेंट? व्हाट इज दिस एंटायर इंसिडेंट इज अबाउट पॉलिटिकल रिप्रेशन? शाहीन, आई रियली केयरिंग अबाउट व्हाट इट लुक्स लाइक रादर देन व्हाट इट इज? सीरियसली, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? इलेक्शंस, विसल ब्लोअर्स के बारे में तो सुना ही होगा। कम ऑन शाहीन, आई डील विद रिलायबल सोर्सेज, ओके? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज यू नीड टू हैव अ बेटर डिस्क्रिप्टर। फाइन। What? Patience. What do you see? What? Come on, what do you see? There's a black dot. Exactly. That's the point. You wanted me to have a better descriptor? Was that the best possible form of an argument? You cannot antagonize an entire ethnic group because of history. Like, I'm not going to conclude anything before a strong ground research. Then don't! Shaheen, let's just get back to our matter of concern. Huh? Hum un logon ke baare mein baat kar rahe hain jo aatank phaila rahe hain. We are talking about these extremists here, okay? And because they are that, it'll get difficult even to reach there. Forget about getting access to the data. Denied already. मुझे ना ज्ञान से ज्यादा अभी तुम्हारी मदद की जरूरत है, मिलेगी थोड़ी? Copied. Thank you. Looks like we got help. मुझे वहां पर एक गांव नजर आ रहा है। अरे कोई है यहाँ पे? हेलो? अरे ओए, आपका क्या नाम है? घर पे कोई है? लाओ मुझे दो। अरे अरे बिन... थोड़ा पानी मिलेगा? स्माइल करो। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ। आप बिंदिया, बिंदिया नाम है हमारी छोरी का।
हमारी छोरी बोल ना सके। सॉरी, पानी के लिए शुक्रिया। भाई जी, चेक पोस्ट करने छोड़ दोगे? बस को आने में टेम है मुने मारी छोरी को। छोरी लोकल्स हैं, चेक पोस्ट तक छोड़ना है। ओके। आप बैठिए। तो जर्नल में तुमने क्या देखा? जर्नल में I saw a black dot. Divan code written on the top left. Human trafficking on the top right. And refugees and locals at the bottom. And the white space. Really? Yes. You saw the exact same thing that I wanted you to see. The black dot. And that's being one-sided. The moment you realize you're chasing the wrong story, that's when you'll find yourself. At the dot. Perception is a very dangerous game, Mr. Raghuveer Singh. You don't want to enter Divan Court, do you? I don't want to conclude anything before a strong background research. I'd rather trust my instincts. देखा, कहा था ना मैंने, इन
लोगों को चैन नहीं आएगा जब तक ये गांव वालों का सौदा ना कर दे। बहुत बड़ा धंधा हो चुका है ये अब। जी आप घबराइएगा मत, हम आपको चौकी तक सही सलामत पहुंचा देंगे। खालिद मियां, कम इन खालिद मियां। हेलो खालिद मियां, अभी अभी हम पर किसी ने अटैक किया है और हमारे पास उसका एविडेंस भी है जो मैं आपको अपलिंक से ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप प्लीज उसको डिकोड कीजिए और मुझे तुरंत रिपोर्ट कीजिए, प्लीज, इट्स वेरी अर्जेंट। बहन जी, आपको इस घटना के बारे में सब कुछ बताना होगा कैमरा के सामने और विस्तार से। आपको जो कुछ भी बताया इन लोगों के बारे में और आपने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ। जी जी, ये चौकी यही है ना? आगे से ना दाएं मुड़ जाना है बस। We got a goddamn evidence. And guess what? We have the tablet of the year. Really? हाँ यार, कम से कम इन लोगों के लिए ही सही। I don't know, man. Shaheen, you need to watch this. You didn't want me to accuse these people, है ना? They attacked us. Let's not spare these bastards. मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। Let's break the news. हेलो, हेलो, हाँ खालिद मियां, ऑडियो सुन लिया है, मुझे लगता है कुछ हेलो 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 खालिद मियां, हेलो आवाज आ रही है खालिद मियां? हाँ, ये बंदे बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, शायद अपनी बेटी का नाम ले रहे हैं सर। मुझे लगता है कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि ये तो मदद मांग रहे हैं जनाब। ये बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहे हैं कि वो गुनहगार नहीं है और बल्कि उनकी खुद की बेटी को गांव वालों से छुड़वाने आए हैं जो उसे सरहद के उस पार ले जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जनाब, आप सुन पा रहे हैं? क्या खालिद मियां, आप ये क्या बोल रहे हो? आप सही सुन रहे हैं जनाब? हेलो, आई थिंक ही इज राइट। आप सुन पा रहे हैं कि ये लोग हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि ये तो मदद मांग रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने गोली नहीं चलाई। इट वॉजंट अ फायर फाइट रघु, वी वर चेजिंग द रॉन्ग स्टोरी, वी आर एट द डॉट।
वितर करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि नहीं बन सकता क्योंकि कोई उसे देख नहीं पा रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का शो समाप्त होता है। शब बखैर।